खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से है, जहां सखी मार्ग पर स्वामी केशवनाथ महाविद्यालय के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 7 जीडी निवासी नरेश और प्रवीण बाइक पर घड़साना से अपने गांव लौट रहे थे कि तभी तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और जिससे बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को घड़साना CHC पहुंचाया, जहां नरेश की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं दूसरे युवक ने बीकानेर रेफर के दौरान बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। घटना के बाद पिकअप चालक भी मौके से फरार हो गया और फिलहाल पुलिस ने पिकअप जब्त करके पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साढ़े 9 बजे के लगभग की बात है रात्रि को, ये दो मृतक बच्चे ये नहीं मंडी घड़साना कृषि पुज मंडी में किसी को खाना देकर गए थे, खाना खिलाकर वापस अपने गांव 7 जीडी जा रहे थे। तो सर्विस कॉलेज के नजदीक सखी रोड पर सामने से पिकअप जिसमें नीरा फूस लदा हुआ था, उसकी भोंग से अड़ने की वजह से मोटरसाइकिल सवार के दोनों गिर गए, जिसके चोटें आई। एक को तो रेफर प्रवीण नाम के लड़के को रेफर कर दिया गया था और नरेश को रेफर कर रहे थे, रेफर करते वक्त दम तोड़ दिया और इसको मृत घोषित कर दिया। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता विकास पारिख फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी विकास, बताएं कि कैसे हुआ था ये पूरा हादसा। बिल्कुल मैडम, मैं बता दूं आपको कि घड़साना में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें दो युवकों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये घटना देर रात्रि की बताई जा रही है। घड़साना सखी मार्ग के स्वामी केशवन महाविद्यालय के पास की ये घटना है, जहां पिकअप बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसे घड़साना CHC में भर्ती करवाया गया है, जहां एक युवक नरेश पुत्र भजनलाल निवासी गांव 7 जीडी की इलाज के दौरान व दूसरे युवक की बीकानेर रेफर दौरान मौत हो चुकी है जी। मौत की सूचना मिलने पर गांव 7 जीडी में कोहराम मच गया है जी। विकास, ये बताएं कि जो चालक था उसको क्या पकड़ लिया गया है। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा मैं कि घटना में लिप्त पिकअप में ओवरलोड पूरी अर्थात भूंग भरा हुआ था, जिसके कारण बाइक सवार घड़साना में 7 जीडी जा रहे थे, तभी सामने से भूंग से भरी हुई पिकअप आ रही थी। पिकअप की लाइट इतनी मंद थी जी कि बाइक सवार युवकों को पिकअप दिखाई नहीं दी जी, और पिकअप बाइक भिड़ंत हो गई और जिससे इसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि पिकअप चालक पिकअप छोड़ फरार हो गया जी। तो क्या पकड़ लिया गया है अभी तक, क्या तलाशी अभियान चलाया गया है, क्या कुछ किया जा रहा है? अभी जो पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है और पिकअप चालक की तलाश जारी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि ओवरलोड वाहन और ओवरलोड वाहन होने के पश्चात पुलिस प्रशासन जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, मात्र लिपापोती और कागजी खाना पूर्ति कर इसको इतिश्री कर दिया जाता है। लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होता है तो पुलिस कहीं ना कहीं एक कार्रवाई करने की औचित्य करती है जी। विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।